अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के बोरज में गत कुछ दिन पहले दो युवकों के द्वारा एक युवक की थर्ड डिग्री वाली मारपीट के वीडियो वायरल मामले में पीड़ित युवक गौरव ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा बयान किया है। हैरान कर देने वाली मारपीट के वीडियो में युवक बचपन से एक साथ पड़े हुए हैं। हमीरपुर आए गौरव ने अपने पापा और चाचा के साथ मारपीट के पीछे की बात को सुनाया। वही मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा तीनों युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किए जाने के बाद जमानत दिए जाने पर ऐतराज जताते हुए इन तीनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर जिला के बोरज में गत कुछ दिन पहले दो युवकों के द्वारा एक युवक की थर्ड डिग्री वाली मारपीट के वीडियो वायरल मामले में पीड़ित युवक गौरव ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा बयान किया है। हैरान कर देने वाली मारपीट के वीडियो में युवक बचपन से एक साथ पड़े हैं। हमीरपुर आए गौरव ने अपने पापा और चाचा के साथ मारपीट के पीछे की बात को सुनाया। वही मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा तीनों युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किए जाने के बाद जमानत दिए जाने पर ऐतराज जताते हुए इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवक गौरव ने बताया कि युवकों ने बिना वजह से ही मारपीट की है और बचपन से उनके साथ ही स्कूल में पढ़ा है। उन्होंने बताया कि फोन पर कई बार मारने की धमकियां दी जा रही थी और जैसे ही बद्दी से घर वापस आया तो तीनों ने एक सुनसान जगह पर ले गए और जहां पर मारपीट की और वीडियो बनाई। मारपीट के पीछे कारण एक रिश्तेदार के द्वारा फोन पर कुछ कहा हुआ था जिसका बदला मेरे से लिया गया। युवक के पिता ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस ने मारपीट के आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस मामले में ठीक से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि तुरंत ही युवकों को जमानत मिली है। युवक के चाचा ने बताया कि भतीजे के साथ इतनी बुरी मारपीट की गई थी लेकिन पुलिस ने भी मामले में ठीक से काम नहीं किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में युवकों का पुलिस रिमांड तक नहीं लिया है। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीडिया मारपीट के वीडियो में दो युवक एक युवक की निर्मम पिटाई करते हुए दिखाए गए थे जिस पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद अब युवकों को जमानत मिल जाने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे साथ 9 तारीख को हुई थी सर। जैसे मैं बद्दी से मतलब घर पहुंचा तो मेरे को अभिषेक चौधरी मतलब घर पे लेने आया था तो वो मेरे को बाइक पे त्रिकवाड़ी तक ले गया। तो फिर वहाँ पे दूसरा सुमित रांगड़े पहले वहीं से मौजूद था तो जैसे ही मतलब मैं बाइक से उतरा तो उन दोनों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। तो इसका मतलब कारण तो ये था कि मतलब उनको मतलब जो अब्यूजिंग थे वो तो मेरे मतलब किसी रिलेटिव नहीं थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने जो रिस्क थी वो मेरे साथ निकाल ली। फिर उसके बाद घर में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को उन्होंने धमकियाँ दी हुई थी फ़ोन पर भी कि अगर तू घर पर बताएगा तो मतलब तेरे को मार देंगे, जान से मारने की धमकियाँ वगैरह दी थी उन्होंने। ये कब की घटना है, कब हुआ है सारा? सर ये 9 तारीख को होता और 10 तारीख को उन्होंने मेरे को फिर से धमकियाँ दी थी रात को फोन पर और उसके बाद 11 तारीख को बद्दी वापस चले गए थे। तो अब जो पुलिस कार्रवाई करी इससे संतुष्ट हो आप लोग, ठीक हो रहा है सर? तो उनको मतलब जमानत नहीं देनी चाहिए थी। ठीक था ना विवेक चौधरी, उसको सर मैंने मतलब इतना बोला था कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया सर, उसको यही बात चुभी थी कि वो बहुत पूछ रहा था मेरे से बार बार कि तूने मेरे लिए किया क्या आखिरकार। क्योंकि आप कैसे जानते हैं दोनों लोग इन तीनों? सर जो अभिषेक था ना वो मेरा मतलब बचपन का फ्रेंड था, नर्सरी क्लास में साथ में पढ़े हुए। और जो सुमित रांगड़ा था मतलब वो तो अभिषेक के उससे मिला था मेरे साथ। उन्होंने नशा भी किया था उस दिन कुछ है सर? ये तो मेरे को पता नहीं कि नशा किया कि नहीं किया, लेकिन सर जिस तरह से मारे थे उस टाइप तो लग रहा था कि नशा करा है इन लोगों ने। सर इसके बारे में बारह के बारे में बच्चे ने कुछ नहीं बताया हुआ था मेरे को, इस सब चीज़ों का पता जो मेरे को सोशल मीडिया से पता लगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे की पहचान की कि मेरा बच्चा है, इसके साथ मार्केट जो करने वाले हैं वो तो एक जो था वो अभिषेक चौधरी, वो किशोर लाल का लड़का था बल्लभबाग से, और जो दूसरा था उसको तो खैर मैं नहीं जानता था बट इसको गौरव जानता था। तो जो इन दोनों लोगों ने इनको पीटा है मैं इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। बट मेरे को एक मेरे मन में एक ये प्रश्न जरूर है, जब इन लोगों को पकड़ा गया तो बिना रिमांड के इन लोगों को छोड़ा कैसे गया? मेरे को इतना ये चाहता हूँ कि मेरे को ये बताया जाए कि इनका क्या कौन सा ऐसा एविडेंस है जो इनको एकदम से बेल दे दीजिए, जो बिना जुडिशियल रिमांड के बिना मतलब के बेल इनको मिली। मैं नवीन कुमार। नवीन जी ये जो आपके भतीजे के साथ हुआ है, हाँ जी हाँ जी, इस कार्रवाई इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनको जमानत किस आधार पर दी गई पुलिस वालों ने, जबकि एक लड़का जो था वो क्या नाम उसका सेवरू अभिषेक जो बल्लभबाग से है वो तो गायब था, क्योंकि जिस दिन हम FIR करवाने गए तो एक लड़का पकड़ा जा चुका था जो सुमित रांगड़ा है वहाँ का ना ढो से, वो जो दूसरा लड़का था सेरू एक फरार था
जब ये वापस आ रहा है दो दिन बाद तो पुलिस इनको किस आधार पे जमानत दे रही है और इतने मारपीट आपने सबने सोशल मीडिया हमने देखा और हमको पता सोशल मीडिया से लगा और इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, एक तरीका मारने का क्यों मारा गया, किस वजह से मारा गया। ठीक है गलती हो जाती है मगर एक तरीका था मारने का, ये बिल्कुल बहसीपन और सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा। मैं चाहता हूँ इनको जमानत किस आधार पर दी गई, ना कोई रिमांड ना कोर्ट में पेश किए इनको, सीधा इनको जमानत नहीं तो किस आधार पर मिली। यहाँ तक यहाँ तो मैं पुलिस की और इनकी पुलिस की कमी आई है।